राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ जाने माने एक्टर ललित मोहन तिवारी। ललित मोहन तिवारी। नैनीताल में जन्मे ललित मोहन तिवारी एक बेहद जिंदा दिल और खुश मिजाज अभिनेता हैं। गुर्बत के दिनों में बचपन काटने वाले ललित ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय के गुर सीखे हैं। ओम दरबदर से फिल्मी सफर की शुरुआत करने वाले ललित मोहन का झुकाव हमेशा कला फिल्मों की तरफ रहा है। फिल्म ओम दरबदर में सशक्त किरदार निभाने वाले ललित ने एक समय के बाद कॉमर्शियल सिनेमा से दूरी बना ली। भगवान आपको लंबी आयु दे महाराज। आपके उपरांत तो राजमुकुट पर युवराज का ही अधिकार है, और उनके इस अधिकार की रक्षा करने के लिए गंगा पुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और अंगराज कर्ण जैसे महारथी उपस्थित हैं। ये सारे महारथी विराट। बी आर चोपड़ा के धारावाहिक महाभारत में संजय की भूमिका निभाने के बाद ललित घर घर में पहचाने जाने लगे। उसके बाद ललित का सफर आगे बढ़ता गया और ललित ने चांदनी, लम्हे, सूरज का सातवां घोड़ा, मम्मो, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये रास्ते हैं प्यार के, अनवर, वेल्डन अब्बा और दोजख जैसी फिल्मों में काम किया। बड़े पर्दे के अलावा छोटे पर्दे पर भी ललित ने अपनी दमदार छाप छोड़ी है। महाभारत, भारत एक खोज और संविधान जैसे धारावाहिकों को अपने अभिनय से संवारने वाले ललित मोहन तिवारी में पत्थरों के प्रति गहरा अनुराग है। बेजान पत्थरों में कलाकृतियों को पहचान लेने वाली नजर से ललित तिवारी अपने घर को ऐसी अनेक कलाकृतियों से सजाए रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है ललित जी। धन्यवाद, नमस्कार। हमें बताइए ललित जी, आपकी जिंदगी के कुछ शुरुआती बरसों के बारे में बताइए, जिन बरसों ने आपके अंदर एक्टिंग के किसी कीड़े को जन्म दिया होगा। अब मुझे लगता है कि शायद ये सभी की बचपन में इच्छा होती होगी, क्योंकि बचपन में हमारे पास सिर्फ एक ही जरिया था जानने का, जरा सा ये कि रामलीला हुआ करती थी तो उसमें तालीम होती थी, रिहर्सल मतलब एक महीने पहले से शुरू हो जाती थी, और बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी लोग वहाँ आते थे। मतलब जो रामलीला के मतलब थिएटर के हो नहीं, रामलीला के मतलब वरिष्ठ लोग जी, मतलब वैसी एक्टिंग मैं आज भी नहीं कर सकता जैसी वो मेरे की छवि है उनके लिए मेरे दिमाग में। तो ऐसे ही हम भी सोचते थे कि हम भी कभी राम का या लक्ष्मण का या कुछ ऐसा अच्छा रोल मिल जाएगा। गायकी भी होती थी, गा नहीं पाता था, शर्म आती थी, वो भी एक प्रॉब्लम थी, तो मैं शर्माता बहुत था मतलब ये कहना चाहिए। तो अल्टीमेटली होता क्या था, वो बानर कभी बानर बना देते थे, कभी राक्षस बना देते थे, ऐसे ही बस हो गया। वो मुँह में पोता पाता तो कपड़े वपड़े पहन के अपने स्टेज में आ गए, बैठ गए, हो गया, इतना काफ़ी। शौक़ था मेरे को बट मैं शर्माता बहुत था। ऐसा करते करते क्या हुआ, जब मेरी मतलब काफ़ी उम्र के बाद मैंने मतलब ऐसा करना शुरू किया, कोई मेरे ख्याल से मेरी उम्र हो गई होगी उस टाइम में 19-20 साल। मेरा जब ही बना तो हमारे वहाँ एक संस्था थी और हमारे वहाँ एक ऑल इंडिया कंपटीशन हुआ करता था, तो मुझे मालूम था मेरी मदर कभी कभी उसके वहाँ थी तो बड़ी गरीबी, लेकिन मदर कभी कभी जेवर तुड़वा के कुछ नए बनवा लेती थी, तो वो आदमी करता था थिएटर उनका जो लड़का था। तो मैंने अपनी माँ को कहा, मैंने कहा भाई वो थिएटर करता है, कहते हैं तुम मेरे को ले जाओ उसके पास। तो एक दिन वो मेरे को ले गई, उनने कहा ये सुरेश ये कह रहा है, कहते हैं एक्टिंग करने को, तुझे करा देना। उन्होंने हाँ, अब उन्हीं दिनों वो फेस्टिवल होने वाला था 1.5-2 महीने बाद, हो गया बस हो गया, उसके बाद शुरू हो गया। शुरू हो गया तो कहते मतलब मज़ा आने लग गया, शर्माता तो था लेकिन वो करने में मेरे को सारी शर्म नहीं होती थी। तो करते करते मतलब ये हुआ कि वो ड्रामा हो गया, बड़ा अच्छा हो गया, जबकि मेरे को उम्मीद नहीं थी, मुझे लगता था मैं डायलॉग नहीं बोल पाऊँगा, कहीं भूल जाऊँगा तो फिर क्या करूँगा ऐसा, बट वो किसी तरह संतोषजनक लेवल पर निपट गया। और बढ़िया बात क्या रही, मेरे को जैसा लगा हो अलग बात है, मैं तो आउट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन उनको बहुत अच्छा लगा, उनको शायद उतनी उम्मीद नहीं थी उन सब लोगों को। तो फिर इसके बाद मैं उनके साथ करता रहा, फिर मैंने अपना एक ग्रुप भी बनाया जिसका। लेकिन ये सब हो कहाँ रहा था? नैनीताल। आप नैनीताल में ही पैदा हुए? बिल्कुल नैनीताल में पैदा हुआ। हाँ,
किस आपके परिवार का क्या स्वरूप है, मतलब कौन? मेरे परिवार में मतलब जिस टाइम पर मैं ये करना शुरू किया उस टाइम में मेरे पिताजी जिंदा थे, भवानी दत्त तिवाड़ी उनका नाम था। तो हमारी पान की दुकान थी और माँ मेरी हाउसवाइफ, बट वेरी इंटेलिजेंट, बहुत समझदार। उसने हमेशा मेरा साथ दिया और मैंने भी हमेशा उसका साथ दिया। तो मैंने कहा ना कि वो ले गई मेरे को, उसने करवाया मेरे को। तो जब मैं ड्रामा स्कूल भी आने लगा था तब भी उसने एक आध बार समझाया, क्योंकि तब मैं सरकारी नौकरी करता था, राशनिंग डिपार्टमेंट में क्लर्क था, 5.5 साल की सर्विस मैंने कर ली थी। तो उसने मेरे से एक आध बार समझाया, उन्होंने कहा देख ललित, सबसे बड़ा घर है, घर में तू है, तेरे पिताजी नहीं है और ये 5 भाई बहन और तेरे पीछे हैं, तो तू सोच ले एक बार, तेरी सरकारी नौकरी है, इससे घर चल रहा है। तो पर पता नहीं वो मैंने मतलब बिल्कुल अपनी जिद नहीं छोड़ी, मैं ड्रामा स्कूल आ गया और उसने भी मेरे को कोई बहुत ज़्यादा वो फिर हिंड्रेंस नहीं करी। नहीं, ड्रामा स्कूल आप आ गए तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि ड्रामा स्कूल बड़ी आसानी से आ गए होंगे ना? तो उसके पहले क्या क्या हालात बने कि जिससे ड्रामा स्कूल जाने का की तमन्ना भी पैदा हुई और फिर वो पहुँच भी गए यार? ड्रामा स्कूल जाने की तमन्ना मतलब इस तरह की हुई, वो आउट ऑफ द ब्लू जैसे कुछ होता है ना कहीं कहीं, जैसे कहानियों में होता है, मतलब रियल लाइफ में तो ऐसा बहुत कम होता है। हमारे वहाँ जब ये मैंने अपना ग्रुप खोला तो हमने एक वहाँ की, वहाँ का जो डिग्री कॉलेज है, वहाँ की डिग्री कॉलेज की 50वीं जयंती थी कुछ, तो उन्होंने एक प्ले के लिए हमको ऑफर किया था और एक प्ले करने के लिए आए थे डिप्टी डायरेक्टर सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन दिल्ली लेनिन पंत। तो वो कभी रिहर्सल करने के बाद वो ड्रामा स्कूल की बात करते थे, ड्रामा स्कूल की बात करते थे ऐसे। तो मेरी समझ में नहीं, ड्रामा स्कूल क्या बात कर रहे हैं, तो हल्का फुल्का मेरे को पता चलने लग गया। फिर वो जब अब रिहर्सल की ये की पर्सनैलिटी उन्होंने देखी, यार तू ड्रामा स्कूल क्यों नहीं जाता, तो बड़ी बढ़िया जगह है, तुझे अगर करना है ना तो ड्रामा स्कूल जा। अरे ड्रामा स्कूल जा मतलब कहाँ, मतलब दिल्ली तो ठीक है, क्या अता पता लापता। हुआ क्या कि ये बात जब ये हुई तो फिर मेरी माँ का एक कॉमन फ्रेंड वो सॉन्ग एंड डाउन नैनीताल में प्रोड्यूसर डांस, उन्होंने उदय शंकर के साथ डांस सीखा हुआ। अच्छा। है उदय शंकर की एकेडमी जब उन्होंने अल्मोड़े में इंस्टीट्यूट खोला था तो वहाँ डांस सीखते मिस्टर सती। अच्छा। तो उनकी वाइफ मेरी मदर की दोस्त, तो इसकी वजह से हमारी एक फैमिली रिलेशनशिप। वैसे वो हमारे घर में बहुत कम आते थे, आते नहीं थे। एक दिन वो रात को कोई 8-8:30 बजे, सर्दियों के दिन थे, मैं बिस्तर में लेट गया था खाना वाना खा के, वो आए, यार ललित वो प्रेम मटियानी आया हुआ है दिल्ली से। प्रेम मटियानी मतलब, मैंने कहा कौन सर? कहते ड्रामा स्कूल में जो है वो आया हुआ है, तू उससे मिल ले, तू जाना चाहता है तो। मैंने तो आओ देखा ना, ताओ उसी वक्त वो निकला बिस्तर से, कपड़े वपड़े पहने और वो इंडिया होटल में टिका हुआ था, मैं वह सीधे उसके कमरे में पहुंच गया, प्रेम मटियानी के कमरे। तो मेरे से कहने कहते हैं उससे मेरी बात हुई, मैंने कहा मैं आना चाहता हूं और ये और वो। तो उसने सिर्फ बता, बातें तो और बहुत सारी भी, लेकिन उसने एक बात कही कि तो एक बात बता, तू ये फिल्मों में जाने के लिए तो नहीं कर रहा है, तुझे थिएटर करना है, सीखना है तो बात कर, अगर फिल्म में जाने के लिए तू सोच रहा है ना इल्ले पों तेरा कुछ होने वाला नहीं है। तू क्या समझ रहा है कि तू ड्रामा स्कूल की ट्रेनिंग कर लेगा और तो फिल्मों का एक्टर बन जाएगा? नथिंग डूइंग। अच्छा, और वहाँ इंटरव्यू में कहना भी मत कि भाई वो पूछेंगे, आखिरी पूछते तुम इसके बाद थिएटर करोगे 3 साल बाद, कहना मत मैं फिल्म में जाऊँगा, तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा तेरा बेस्ट इंटरव्यू भी होगा। तो ये बात उन्होंने मेरे को समझा दी और ये बात मेरे मन में डाल दी। उन्होंने नाम भी ले लिए कुछ, उन्होंने कहा तू ऐसा नहीं बन जाएगा, ऐसा नहीं बन जाएगा जो ड्रामा स्कूल के कुछ बने थे, ऐसा नहीं सोचना, ये सब भी कोई बन जाता है तो बन जाता, नहीं तो कोई रास्ता नहीं होता, कोई ऐसा वो नहीं है। मैंने कहा नहीं दाजी, तो दाजी ही कहता था, मुझे बड़े भाई को दाजी बोलते हैं हमारे वहाँ। तो मैंने कहा नहीं, तो उसने कहा तुम कहते हैं जैसे ही कहते हैं फॉर्म आए ना, उसका एडवर्टीजमेंट आएगा, तू फॉर्म मंगा लेना, भर के भेज देना, और जैसे ही तेरे पास कॉल लेटर आएगा तो सीधे हफ्ते भर पहले मेरे पास आ जाना। तो उसने हफ्ते भर मेरी खूब रगड़ाई की, कॉल लेटर भी आ गया, खूब रगड़ाई की और मेरा इंटरव्यू भी बेस्ट हुआ। तो ऐसा फ्री फंड में सेलेक्ट हो गया। लेकिन पहले आप ये बता रहे थे कि आपने अपना एक ड्रामा ग्रुप जैसा बनाया। हाँ। तो रामलीला की वो जो शुरुआती दौर की बात करने के बाद आपने पढ़ाई क्या पूरी कर ली थी और उसके बाद फिर? नहीं, पढ़ाई तो मैं पूरी नहीं कर पाया, मैं बड़ी मुश्किल से इंटरमीडिएट में, कोई मतलब ये समझे मैं 4 साल में पास हुआ इंटरमीडिएट मेरा, क्योंकि हाई स्कूल के बाद मेरा फिर पढ़ाई में मन नहीं लगा, मेरे को ज़्यादा इसी की तरफ रुचि हो गई मेरी और मैं पढ़ नहीं सका। और मेरा सबसे बड़ा जो
शायद मैं इसमें नहीं आता, इसमें योगदान अंग्रेजी का भी है, मैं अंग्रेजी में हमेशा फेल होता था। बाकी मेरे सब में गुड सेकंड डिवीजन मार्क होते थे, अंग्रेजी में 100 से 13, 100 से 15। अच्छा। तो हाई स्कूल में मैं एक बार उसी वजह से फेल हुआ, इंटरमीडिएट में 2 बार फेल हुआ उसमें, और महात्मा गांधी की कृपा से मैं बच गया। उन दिनों उस सेंटेनरी मना रहे थे महात्मा गांधी की, तो जेलों से कैदी भी छोड़े जा रहे थे, तो उसमें मेरी सप्लीमेंट्री आई थी अंग्रेजी में, तो मुझे दूसरी बार एग्जाम देने की परमिशन मिल गई। अच्छा। वो इस 100 ईयर्स में महात्मा गांधी के, बड़ा कमाल की बात है सच में। कभी कभी सोच के, और मैं बड़ी मुश्किल से, मेरे फादर ने एक टीचर को लगाया जो अंग्रेजी जानता था, उसने मेरी घिसाई पता नहीं किस तरह की, और मैं 100 में से 42 मार्क्स ले आया और मैं सप्लीमेंट्री पास हो गया इंटरव्यू। उसके बाद थोड़े दिनों बाद मैंने कुछ और इंटरव्यू इधर दिए, मतलब तो वहां तो नौकरी लगी नहीं है, राष्ट्रीय ऑफिस में मेरी नौकरी लगी। तो उसके बाद ही 2 महीने बाद मेरे फादर की डेथ हो गई। फिर वो हमने बड़ा बड़ा दुखमयी पीरियड गुजारा, क्योंकि सब छोटे छोटे थे, मदर अकेली, तो हम रोते वोते बहुत थे, मतलब बिल्कुल इतना वो था नहीं, हमको लगता था हम बिल्कुल अनाथ जैसे हो गए हैं, कौन देखेगा क्या दे, बट मेरी नौकरी थी तो वो चलता था, और मैं थोड़ा समझदार भी था, थोड़ा बहुत बिगड़ा हुआ था, लेकिन मैं कुछ समझदार हो गया था इन चीज़ों के मामले में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में, इस मामले में। तो इस तरह का पूरा वो गया। बट मेरे को एक बात क्या अच्छी रही मेरे साथ, जब मेरे को जो चीज़ मिलनी थी ना वो बड़ी ईजीली मिल गई। अगर कोई आदमी ये कहे कि तुम चाहते हैं और चीज़ें ग्रैब नहीं कर सके, शायद वो मेरा रास्ता नहीं था, इसलिए मैं उसको ग्रैब नहीं कर सका। कोई कहे तुम कितना सक्सेसफुल हो या कितना नहीं हो, तो उस बात को मैं इसलिए ध्यान नहीं देता, क्योंकि जो चीज़ मेरे को मिल गई वो तो मेरे को फ्री में मिल गई। जैसे अभी ओम दरबदर की बात बता रहा हूँ आपको, यू कांट इमेजिन, ऐसे किसी को फिल्म मिल सकती है, यू कांट इमेजिन, मैं खुद इमेजिन नहीं कर सकता। आज तक मेरे लिए ये रहस्य है कि ये ऐसा कैसे हो गया। अब उसे एग्जाम्पल बताता हूँ। अब मेरा बम्बई आने का चक्कर हो रहा था, तो मैं अपने दोस्त आलोक नाथ के साथ यहाँ बम्बई आता था, है इसके ये रहता था यहाँ, ये अपना काम करता था। तो एक बार ये दिल्ली आया तो इसने मेरे को एक थोड़ा पावर दी, इसने कहा तू आ जा मेरे पास, मैं देखूंगा तेरे को, कोई बात नहीं। तो उसी लिए मैं आया हुआ था यहाँ गर्मियों की छुट्टी में रेपर्ट्री से, तब मैं रेपर्ट्री में काम करता था एज एन एक्टर, वहाँ भी मैंने 7-8 साल काम किया है, श्रीराम सेंटर की रेपर्ट्री में, NSD की रेपर्ट्री में। तो जब इसने बुलाया तो मैं गर्मियों की छुट्टी में यहाँ आ गया, 1-1.5 महीने की छुट्टी थी, मैं नैनीताल जाने के बदले बम्बई आ गया सीधे। अब मेरे जाने का दिन है, दूसरे दिन मेरे को जाना है, हैं ये पहले शाम की बात है। तो मेरा एक दोस्त अशोक शर्मा हुआ करता था, तो वो पृथ्वी थिएटर्स में हम बैठे थे, ऐसे शाम को ऐसे बैठे थे, सिगरेट पी के हमने ऐसी बातें कर रहे थे। एकाएक उसने मेरे से कहा, क्या ललित एक जगह चलता, तेरे पास पैसे कितने हैं देख तो जेब में। मैंने कहा पैसे तो हैं मेरे पास, कहीं 40-50 रुपये तो मेरे पास हैं, चल बांद्रा चलते हैं। वहाँ से ऑटो लिया सीधा बांद्रा, बांद्रा कट टू कमल स्वरूप बैठ के, कुछ बातें हुई। फिर ये बात हुई, पता नहीं कहाँ पर से वो बात निकली कि कमल यार ये देख तू अपने हीरो के लिए, उन्हें तो फ्री है, परसों चलना है। मैंने कहा भाई अंधा क्या आ गया, 2 आंखें में तो ऐसे हो गया, बिल्कुल ये क्या बात कर रहा है। तो क्या चलो, और भाई साहब दूसरे दिन तीसरे दिन हम चल दिए, शूटिंग शुरू हो गई, कैन यू बिलीव इट, और मैं हीरो फिल्म का। तो मैं तो बिल्कुल दंग रह गया, मैं कहा यार लाइफ में ऐसा भी होता है, अब इससे बड़ी सक्सेस लाइफ में क्या हो सकती है, जरा बताइए। बिल्कुल, ये क्या गेन करना, ये फिल्म फ्लॉप हो गई, या फिल्म में छोटा रोल मिला या बड़ा रोल मिला, या आप कितना कर पाए कितना नहीं कर पाए, या आपने क्या झंडे गाड़ दिए, ये तो चलता ही रहता है, इट्स ए नेवर एंडिंग स्टोरी है। क्योंकि जब तक आप काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं, इट्स उसमें सब कुछ चलेगा, उसमें वो ऐसा कुछ नहीं है, फ्लक्चुएशन कुछ भी नहीं है, इट्स ए जर्नी, जैसे मोड़ हैं, पहाड़ हैं, नदी है, झरने हैं, ये है वो है, रेगिस्तान है, सब कुछ है, और वो सब कुछ देखने को मिला। आई एम दैट टाइप ऑफ लकी मैन, क्योंकि मैंने ज़्यादातर 8 फिल्मों में काम किया है, तो 8 फिल्मों की ज़्यादातर लोकेशन रूरल एरियाज और वियर्ड एरियाज, इस तरह की जगहें होती हैं, तो वहाँ पूरा खूब हिंदुस्तान देखने को मिला, अलग 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 जगह शूटिंग की। तो ये मेरे पूरे के पूरे लाइफ का वो है, मतलब जो मैं उन्हीं धरातल से जीता हूँ। एक तो ये हो गया एक्टिंग, और एक घूमना, घूमने का भी मेरे को बड़ा शौक है। बल्कि मेरे को कोई मेरे से कहता तुम्हारी हॉबी क्या है, मैं कहता फर्स्ट हॉबी मेरा घूमना, सेकंड हॉबी एक्टिंग। ललित जी, आपने कहा कि पढ़ाई कुछ आधी अधूरी सी करते हुए आखिरकार आप राशन ऑफिस में क्लार्क लग गए, और उसके साथ साथ ही आपने अपना एक थिएटर ग्रुप बनाया। उस थिएटर ग्रुप का नाम क्या था नैनीताल में जो हो रहा था? उस ग्रुप का नाम था युगमंच, अभी भी है, अभी भी उसमें काम हो रहा है।
और मुझे खुशी इस बात की होती है, नाम तो कई सजेस्ट हुए थे फिर, लेकिन अल्टीमेटली मैंने ये नाम बताया था युगमंश, तो ये हो गया, तो इस बात की मेरे को एक स्पेशल अपने अंदर खुशी है कि ये नाम मैंने अपने मेरे मुंह से निकला था तो और लोग सब ने एक्सेप्ट कर लिया तो वही नाम हो गया। तो हमने काफ़ी जगह शो भी किए, रामनगर, इलाहाबाद, इलाहाबाद ऐसे बहुत जगह जाते थे हम, और बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्लेस किए हमने वहाँ पर उसमें, और हमारे उसमें बड़े अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए थे, क्योंकि वहाँ वो जो सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन था वहाँ पर कुछ लोग थिएटर के बड़े अच्छे प्रेमी थे, उनकी वजह से ही बड़ा कुछ सीखने को मिला, तभी तो मैं कर पाया वहाँ ड्रामा स्कूल के लिए भी जो तैयारी थी वो कर पाया, कि थोड़ी बहुत एक सेंसिबिलिटी उन्होंने डाल दी थी उसमें। तो उन लोगों का बड़ा योगदान है ये है मतलब, लेकिन उन दिनों बड़ा मज़ा, और मैं बड़ा कन्विक्शन वाला था, मतलब मैं ये सोचिए आप विश्वास नहीं करेंगे, गर्मियों में मैंने कभी गर्मियों का सीज़न नहीं देखा, मैं थिएटर में सबसे पहले पहुंच जाता था, वहाँ रिहर्सल होती थी, जबकि लोग मंडराते हुए कोई अंग्रेजी फिल्म देख के 7 बजे आ रहा है, कोई 7:30 बजे आ रहा है, ऐसे मैं वहाँ पर 5:45 बजे से होता था, सीज़न ही नहीं देखता था पूरा पूरा। तो युगमंच में अगर हम जैसे देखते हैं कि पुराने लोगों में हमको ज़हूर आलम दिखाई देते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वही लोग थे जो साथ में इस ग्रुप को फॉर्म कर रहे थे, और फिर बाद में युगमंच ने और कौन कौन से एक्टर्स दिए जो कि थिएटर और सिनेमा को में काम करते रहे और बड़ा नाम कमाया। उसमें एक तो ये है, निर्मल पांडे ने थोड़ा सा उसमें काम किया, उसमें से एक आदमी ये भी हमारे उसमें अलग अलग फैकल्टीज में भी गए, 2 लोगों ने पूना इंस्टीट्यूट से कोर्स किया डायरेक्शन का है, और हमारे वहाँ से कुछ लड़कियाँ भी ड्रामा स्कूल में आईं, इदरीस है उसमें, उसमें एक सुनीता है, ये अब नीरज शाह हो गया उसमें से, विकास मल्होत्रा, तो ये काफ़ी लोग वहाँ पर ड्रामा स्कूल में आए उसके बाद वहाँ से करके, तो हमारे थिएटर में काम करके। बट ये है कि बाद में थोड़ा सा वही होता ना, जैसे जैसे वक्त बीतता चला जाता है, लोग करते चले जाते हैं, तो क्या चीज़ों के इंटरेस्ट भी बदलते चले जाते हैं। अभी वहाँ पर ये इदरीस मलिक जो है वो अच्छा काम कर रहा है, वो रेगुलर वहाँ थिएटर करता रहता है। तो इस तरह फिर हम वापस इस बात पर आते हैं कि आप वहाँ नैनीताल के उस ग्रुप में करते करते आखिरकार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आए, और तब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आपके बैच में और कौन लोग थे जिनको हम जानते हैं? जिनको जानते होंगे आज, उनमें थे, उनमें सबसे पहले तो नाम लूँगा मैं इसका, आलोक नाथ, नीना गुप्ता, अलोपी वर्मा, रवि क्यमू, संजीव दीक्षित, नवतेज हुंडल, और ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने यहाँ काम भी किया और जो अभी भी काम कर रहे हैं। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ाई के दौरान कौन सी ऐसी चीज़ आपको याद आती है जिसने सचमुच आपको अपने किए हुए उस प्रैक्टिस में जो कि नैनीताल में चल रही थी उससे कुछ बिल्कुल आगे की एक राह दिखाई? नहीं मतलब अब मैं आपको सही बताऊं, जब मैं नैनीताल से आया था ना, मैं बिल्कुल ऐसा था, बिल्कुल जैसे एक जो सफ़ेद पर्दा होता ना, बिल्कुल वैसा था। मतलब ड्रामा के बारे में जो यहाँ बताया गया, जो उस शुरुआत मेरी हुई करते करते मैं जो पढ़ रहा था, मुझे लगा कि मेरे तो मतलब वो पन्ने खुलते जा रहे हैं। अब आप विश्वास करेंगे, मैं ये नुक्ते नहीं जानता था, वो सौ सौ नहीं जानता था, हमारा साफ साफ बोलते ऐसे करके मैं हिंदी बोलता था, तो वैसे तो थोड़ा बहुत मैंने सीख लिया था वहाँ पर से, लेकिन तब भी मैं जब जल्दी जल्दी बोलता था ना तो नुक्ते सब गायब हो जाते थे। तो यहाँ से मैंने स्क्रैच से सुन के आप समझ लीजिए तो क्या क्या नहीं मिला, और फिर मुझे वो गुरु ज्ञान मिला कि जिसको मैं आज तक इन अ वे कहीं पर मतलब ये समझिए 70-80% कंटिन्यू किए हुए हूँ। हमारे टीचर्स हमसे ये कहते थे कि बेटा तुम ये जो काम कर रहे हो ना, ये बहुत उच्च काम है, इसको कभी तुम इस लेवल पर मत सोचना कि ये तुम पैसे के तुमने पैसे कमा लिए, तुम बड़े आदमी हो गए, नहीं, अच्छा काम करो, डू गुड वर्क जितना तुमसे हो सकता है, और ये तुम्हारे लिए चैलेंज है जो कि आसान नहीं है, क्योंकि उस टाइम में ड्रामा स्कूल से बंबई आना भी अपने आप में बिल्कुल टेढ़ी खीर, अब तो बिल्कुल पास करते ही भी लोग भागते हुए यहाँ आ जाते हैं, अब मेरी तो औकात ही नहीं थी, मैंने तो सोचा ही नहीं जब मैं ड्रामा स्कूल से पास हुआ कि मैं बंबई जाऊँगा, वो होगी भी कहीं एक्सटेम्पोर थिंकिंग, तो वो मेरे मैंने हमेशा दबा के रखी। मैं सबसे पहले वहाँ श्रीराम सेंटर की रेपर्टरी में लगा, 2 साल मैंने वो रेपर्टरी चलाई, हमने उसकी ओपनिंग की श्रीराम सेंटर की जो रेपर्टरी है, फिर 2 साल बाद वो बंद हो गया, तो फिर 3.5 साल मैंने यहाँ ड्रामा स्कूल की रेपर्टरी में काम किया, तब मैं ये को आलोक ये मिला और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरे को आया, देन फिर मैं बम्बई आया। और बम्बई में जैसा कि आप कहते हैं कि आलोक नाथ के साथ रहते हुए बिल्कुल चलते चलाते वक्त पर कमल स्वरूप की वो कल्ट फिल्म एक तरह से कहिए आपके हाथ में आई, जिसको आज भी याद किया जाता है, ओम दरबदर। ओम दरबदर में
खुद वो कमल स्वरूप की भी पहली फिल्म थी और आपकी भी पहली फिल्म थी, तो कैसा वो तजुर्बा था? तजुर्बा मैंने कहा ना कि मेरे को जो एक्टिंग के बारे में जो थिएटर का ज्ञान था वो मेरे फिल्म के उसमें वो थोड़ा सा एक एक्टिंग के लेवल पर तो काम आ रहा था कि मैं डायलॉग याद करके बोल सकूं, जो मतलब एक बेसिक्स है, लेकिन सिनेमा के सेंस में जैसे मैं बता रहा था एग्जांपल कि वो लड़की वाला एग्जांपल उसने एडिटिंग में मेरे को बताया कि मतलब ये बाल ऐसे झटके इसने तो ये है शॉट भाई इतना ही रखना चाहिए, तो मुझे इन इन चीज़ों से जैसे जैसे काम करवाता रहता था तो मेरे को ये बातें समझ में आती रहती थी इनडायरेक्ट वे में। एक्टिंग नहीं सिखाता था मेरे को, इनडायरेक्ट वे में तो ये मैं पकड़ लेता था, मैं इतना शार्प था मतलब, क्योंकि अब 3 साल मैंने ट्रेनिंग की है, मतलब 7 साल मैंने वहाँ पर काम किया है, इंटरनेशनली थिएटर किया है, पूरे हिंदुस्तान घूमा हूँ, बाहर में घूमा हूँ, इतने बड़े बड़े सुरेखा सीकरी, उत्तरा भावकर, मनोहर भाई, अरे किस किस के नाम लूँ मैं, मतलब उनके तो बड़ा चरण छूने चाहिए, उन्होंने पता नहीं कितना कितना मेरे को सिखाया, तो उनके साथ काम करके तो मैं बहुत ही मतलब यह कि शार्प माइंड था मेरा माइंड बहुत शार्प है, मैं तो तारीफ वैसे नहीं करता, बट मैं बहुत शार्प हूँ और मैं अच्छी चीज़ों को पकड़ने का आदी हूँ और बुरी चीज़ों को छोड़ने की भी प्रैक्टिस करता रहता हूँ, तो मैं मतलब ये ग्रो करता गया, तभी तो मैं कह रहा हूँ मैंने उनकी जो गुरुओं की जो बात थी मैंने आज तक उनको वो नहीं किया। मैंने एक टाइम में कमर्शियल लाइन छोड़ दी, मैंने एक दिन एक प्रोड्यूसर को मना किया एक रोल के लिए, मैंने कहा नहीं सर आप ये हमेशा छोटे छोटे रोल देते हैं, मैं सीरियलों में बड़े बड़े रोल कर रहा हूँ और मैं 8 फिल्मों में बड़े बड़े रोल कर रहा हूँ तब भी आप मेरे को नहीं दे रहे हैं और आप कह रहे हैं ये करो, तो मैंने कहा मैं अब नहीं करूँगा। और इस बात को शायद 15-16 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, उसके बाद मैंने कमर्शियल लाइन का मूवी नहीं देखा आज तक टिल डेट। मुझे वो इतनी नापसंद आ गई, इसलिए नापसंद आ गई कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट की ज़िंदगी कैसे बिगाड़ सकता है या उसकी ज़िंदगी को डाइवर्ट क्यों कर सकता है। अगर किसी आर्टिस्ट में किसी के लिए अगर बनाने का कुछ वो है नहीं तो वो आर्टिस्ट नहीं है, वो डिस्ट्रॉयर है। मुझे कमर्शियल लाइन की सबसे ख़राब बात ये लगती है कि ड्रामा स्कूल से इन जगहों से लोग ट्रेनिंग करके आते हैं, उनको वो अपने ऑफिस में इज्जत नहीं देते, इज्जत से काम नहीं देते, इसीलिए आज फिल्म लाइन बिल्कुल डिटीरेट होके 3rd क्लास कमर्शियल हीरोज तक सीमित हो गई है, उन्हीं के पोस्टर दिखाई देते हैं, जबकि एक ज़माने में एक पोस्टर में 10-10 लोगों की फ़ोटो हुआ करती थी, उसमें नज़ीर हुसैन भी होते थे, ललिता पवार भी होती थी और एक कोने में एक स्टार भी होता था। सोचिए आज वही है, हीरोइन भी नहीं है, कॉमेडियन कौन है, विलेन कौन है और सबॉर्डिनेट कोई फ़ोटो नहीं होती, सिर्फ वो होता है। तो हमारी ये डिटीरेट करते करते हमारा कमर्शियल वर्ल्ड यहाँ तक आ गया है और इसीलिए हमको कोई राह मिल नहीं रही है, हम हेवायर तरीके से काम कर रहे हैं। जो हमारे वहाँ अच्छा काम करने वाले भी हैं वो कहते हैं एक फिल्म बढ़िया सी बना के उसके बाद वो किसी 3rd क्लास स्टार से के साथ डायरेक्ट करते हैं फिल्म और वो फिल्म फ्लॉप हो जाती है। वो वैसी जबकि उनको उसी लाइन में काम करते रहना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, ये हमारे वहाँ सबसे बड़ी गड़बड़ हो रही है, इसीलिए हमारा जो कमर्शियल सिनेमा है वो डिग्रेडेड हो रहा है। मैं अच्छे बनाने वालों की बात वो नहीं करूँगा, उनमें हैं अच्छे बनाने वाले, लेकिन वो हैं क्या, वो यही कर रहे हैं, वो एक क्या कहते हैं अमिताभ बच्चन को लेके सीरियल बना देगा 1 घंटे का, क्या हुआ 1 महीने भी नहीं देखा किसी ने, 1 महीने दूरदर्शन पर वो नहीं चला, एक जो सोनी में था या किस में था वो 1 महीने नहीं चला, जिस वो एक्टर को देखने के लिए दुनिया मतलब उसके ऐड तक देखती है, वो लाल तेल और नीला तेल और पीला तेल उसके ऐड तक देखती है, वो देखा ही नहीं, फ्लॉप हो गया। अब उसको क्या ज़रूरत थी उसके साथ काम करने की जब वो अपना ये काम कर रहा है, जैसे अभी आप यहाँ काम कर रहे हैं आपको मज़ा आ रहा है, तो अगर आपको कोई दूसरा एक लालची ऑफर दे तो आपको क्या ज़रूरत है, यहाँ तो आप कर रहे हैं उससे बढ़िया काम। यही प्रॉब्लम है हमारे और यह है हमारा बाजारवाद और यह हमारी मॉडर्न जनरेशन। अब हम वापस एक बार फिर उस सवाल पर जाते हैं जिसमें आपने मुंबई में बिना किसी योजना के, लेकिन वो संयोग ऐसा बना जिसमें ओम दरबदर आपके पास आई, उसके बाद क्या फिर आप मुंबई में ही रह गए क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरा मुंबई में फुल मैंने अपने काम को बहुत कंसंट्रेट किया, बट उतना ही कंसंट्रेट किया गुड वर्क के लेवल, तभी शायद वो एक टाइम आया राइप अप होते होते जब मैं चिड़ गया कमर्शियल वर्ल्ड से और मैंने छोड़ दिया एकदम से। फिर मैंने उस बात उस दिन के बाद से मैंने मतलब अपने मन में कहीं प्रण कर लिया नहीं ललित यहाँ तेरा कैरियर कुछ बनने वाला नहीं है,
तू ये सोच रहा है तू स्टार बन जाएगा, ये कुछ नहीं होने वाला है, तेरे को ऐसे ही है इधर उधर तीन चार सीन एक दो सीन में ये करते रहेंगे और तू इनके बीच में रह के वैसे भी तेरी जीवन खराब हो जाएगा। क्यों? वहाँ पर वो हमारे जैसे लोगों को कोई भाव ही नहीं देते, ग्रुप वर्क नहीं होता वहाँ, इंडिविजुअल, हीरो अलग बैठा है, प्रोड्यूसर अलग बैठा है, डायरेक्टर अलग बैठा है, हीरोइन अलग बैठी है, कोई किसी को एक दूसरे से मतलब नहीं। एंड हायरार्की, आपको उनके बीच में खाना भी नहीं मिलेगा, आप खाना अलग से खाइए। पर ये जो पूरा का पूरा है तो मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने कहा यार जिस जगह पे मैं 10-10 घंटे काम कर रहा हूँ, अगर वहाँ मेरा कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई जो मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं वो कोई भी इंटरेक्ट मेरे से नहीं करना चाहता, मुझे सवेरे से शाम तक चुपचाप बैठे रहना पड़ता, खाली ऐसे शूटिंग देख रहा हूँ या कमरे में बैठा हुआ हूँ, कुछ नहीं। और मालूम पड़ा आपका वो तीन चार सीन का रोल तो क्या काम होगा आपका? कभी कभी तो ये होता था 9 बजे से आप लेके के बैठे हुए हैं, मेकअप लगा के बैठे हुए हैं, पैकअप होने वाला है, आखिरी शॉट लग रहा है। तो मैंने ये देखा कि जब वो शॉट लगा के मेरे को बुलाया वहाँ पर तुम खड़े हो, वहाँ डायरेक्टर नदारद था, वो चला गया था, वो असिस्टेंट ने शॉट लिया। तो मेरी वैल्यू काम करने की इतनी थी, बस हो गया, आप सोच लीजिए। तो मैंने कहा ललित तिवारी छोड़ो यार बेकार, कहाँ तुम चक्कर में, इसको एक्टिंग थोड़ी कहते हैं। जब करने का मन नहीं हो करो, और जब करने का मन हो तब ये करवाए नहीं, तो ये कोई एक्टिंग वैक्टिंग नहीं होती, ये सब बेकार है, उलझल उल तू चक्कर छोड़ दे, तेरे जीवन में चाहे कुछ भी हो यार तू अपने रास्ते पर चल, तेरे को काम मिल रहा है, तेरा जीवन यापन अच्छी तरह से हो नहीं हो, बट यू एक्सेप्ट इट, नहीं तो अदरवाइज तेरी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, तेरे घर की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और उसके बाद मैंने बहुत दुख उठाए मेटलिक्स, पैसे के लेवल बहुत दुख उठाए, बहुत मच मेरी और मेरी बीवी के बीच में होती थी, और मैं उसको हमेशा समझाता रहता था, क्योंकि मेरे को उस तरह की इनसिक्योरिटी नहीं है, मेरा मतलब वेल सेटल्ड परिवार है। और मेरे दो लड़के हैं, लड़की की शादी नहीं करनी, कोई लड़की नहीं है मेरी, तो मेरे को मैं वैसे भी मैं सोचता इनकी शादी होगी नहीं होगी, कौन पूछ रहा है, अभी तक भी नहीं हुई है, अब पूछता भी नहीं हूँ मैं उनसे। तो इट्स लाइक दैट, तो मुझे ऐसी कोई परवाह नहीं होती थी। और कमाल की बात यह, अब ये भी मैं आपको कहूँगा, आप विश्वास नहीं करेंगे, कई बार लड़ाई इसलिए होती थी पैसे नहीं है, और मालूम पड़ा हफ्ते बाद पैसे आ गए और सारा कर्जा पूरा हो गया। अब सोचिए आप, अब इसको क्या कहूँगा, ये है गेन मेरा जो टाइम टू टाइम मेरे को होता रहा है, और मैंने इसीलिए बड़े आराम से बढ़िया से सर्वाइव किया, इसीलिए यहाँ फिल्म फेस्टिवल देखने आए हुए, नहीं तो लोग तो काम कर रहे हैं और कौन आया हुआ है, कोई भी नहीं। नोबडी। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं जो होता है वो कर लेता हूँ, तो इसलिए मैं डिप्राइव्ड कभी नहीं रहा, मैं अपने बारे में कोई भी निगेटिव बात ना सुनना पसंद करता हूँ, ना कोई दूसरा करे ये पसंद करता हूँ, ना मैं खुद पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव 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 हुआ है, निगेटिव हुआ ही नहीं, निगेटिव जहाँ हुआ उससे उसमें से भी पॉजिटिव निकल गया। ललित ने हमें बताया कि घूमने फिरने का उन्हें बेहद शौक है। इस घूमने फिरने के क्रम में उन्होंने पत्थरों में छिपी कलाकृतियों का एक विशाल संग्रह तैयार किया है, जिसकी इस सदी के आरंभ में मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में एक एग्जीबिशन लगाई गई। इस मौके पर ललित तिवारी ने कहा, जो वस्तु साधारण है किसी दूसरे कोण से अत्यधिक असाधारण और महत्वपूर्ण लग सकती है, बस चाहिए तो सिर्फ दृष्टि और विचार। प्रकृति ने हर पत्थर को केवल मिट्टी या खनिज का ढेला ही नहीं बनाया है, बल्कि उसकी टेढ़ी मेढ़ी संरचनाओं में एक छवि, एक विचार और एक संदेश को अंकित किया है। उसे उस कोण से समझने भर की देर है और वो पत्थर स्वयं अपनी कहानी कहने लगता है, जीवित हो उठता है। नदी की चंचल धारा में लुढ़कते छोटे छोटे चमकते पत्थर, शांत और विस्तृत धरती में बिखरे पत्थर, समुद्री लहरों में खेलते पत्थर एकाएक मुझे मोहित कर गए। उन्होंने भर दी मेरी आंखों में एक चमक, एक अनुभव और एक अर्थ, जिसने हर पत्थर को जीवंत कर दिया और शुरू हुई यात्रा इन जीवंत पत्थरों को विभिन्न स्थानों से ढूंढने की। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी वस्तु को देखते हैं और एकाएक उसमें अपना कोई अर्थ ढूंढ लेते हैं, तो अनायास ही होंठों पर आ जाती है मुस्कान। ये प्रदर्शनी इसका उद्देश्य है मुस्कान। हर पत्थर अपने इसी अर्थ को आपके दृष्टिकोण तक पहुंचाने में प्रयासरत है। तो आपको निमंत्रण है इस सहस्राब्दी की पहली और आखिरी
प्राकृतिक पत्थरों की प्रदर्शनी के लिए, जिसकी यात्रा है मुस्कान से केवल ज्ञान तक। ललित जी, आपने जब प्रेम मटियानी की बात की, तब उसमें ये बात भी आई कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाना, तो ये मत कहना कि मुझे एक्टिंग सीखने के बाद फिल्मों में जाना है। लेकिन आखिरकार आप फिल्मों में ही आए, ड्रामा के साथ अभी कोई रिश्ता बचा है? नहीं, बिल्कुल नहीं बचा है। उसका मैं एक कारण बताना चाहता हूँ जो पर्सनल है, इट्स नॉट जनरल। इसमें जो वो महीन काम करने को मिलता है सिनेमा में ना, वो थिएटर में पॉसिबल नहीं। थिएटर में आपको क्या, थोड़ा लाउड होना पड़ता है, वो जरूरी है, उसकी डिमांड है। यहाँ पर आपको उतना ही नेचुरल, बल्कि नेचुरल से भी नेचुरल रहना पड़ता है। जब आपका क्लोजअप होता है तो डायरेक्टर आपको, कैमरामैन यही बता रहा होता है कि भाई साहब इससे ज़्यादा उंगली मत हिलाना, तो आउट ऑफ फ्रेम हो जा रहा है। जो थिएटर में आप कर सकते, थिएटर में आप क्या, थिएटर में आपको ऐसा करना पड़ेगा, तब वो दूर से देखने वाला देख पाएगा कि हाँ ये है विजुअल। नहीं तो अदरवाइज आप इतना हाथ हिलाएंगे तो ऑडियंस को मालूम ही नहीं पड़ेगा थिएटर में, लेकिन वो सिनेमा में इतने मालूम पड़ जाएगा। आपने पलक जरा सा ऐसी करी तो इतने में आपका बहुत बड़ा कुछ आप कह देंगे, कुछ इंटरप्रेट कर देंगे कहानी को, उस विजुअल को, वो थिएटर में पॉसिबल नहीं है। हाँ, थिएटर की मतलब वो जो लाइवलीनेस है वो टिपिकल है। और दूसरा यह है कि मैंने ज़्यादा उस बारे में इसलिए नहीं सोचा कि मैंने तो हमेशा बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए हैं, बहुत बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ काम किया है, और सारी आर्ट फिल्में मेरी ज़िंदगी में कोई मेरे ख्याल 30-35 आर्ट फिल्में होंगी करीब करीब। अपने जितना मेरा कैरियर है, हर साल की मेरी करीब करीब एक फिल्म, आर्ट फिल्म होती है मेरी, तो मेरे को तो हमेशा वैसे ही काम करने को मिला। तो उसमें जो मुझे करने को मिलता है ना सर, अब मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब उसके सामने बड़ा दुनिया का कोई भी गिफ्ट नहीं है उसके सामने, मतलब मैं क्या बताऊँ आप। तो ये मेरे को बहुत फैसिनेट करता है सिनेमा में, जो थिएटर में नहीं है। लेकिन देखिएगा ललित जी, कि आर्ट हाउस सिनेमा का एक पूरा पीरियड जब धीरे धीरे अपनी ढलान पर आया, तो बहुत सारे आर्ट हाउस एक्टर्स ये कहते हुए पीछे हट गए कि वहाँ से उन्हें ना तो शोहरत मिली, ना पैसा मिला, और अपने अंदर की वो जो वर्सिटैलिटी थी और ज़्यादा स्ट्रेंथ, उसको भी एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला। बड़े बड़े एक्टरों से आपने ये सुना होगा, मुझे ये थोड़ा अच्छा लग रहा है और थोड़ा अजीब भी लग रहा है कि आप अपने आर्ट हाउस सिनेमा के एक्सपीरियंस को कितने प्यार से याद कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है, अब ये उनके लिए सबक है जो उसको गाली देते हैं, अब उसके लिए क्या कहा जा सकता है, ये अपना अपना परसेप्शन है। अगर आपके दिमाग में, मैंने कहा ना कि यहाँ सबसे भयंकर बात क्या है कि किसी ने किसी लेवल पे आके ये पैसा आदमी को घेर लेता है कि यार मैंने पैसा क्यों नहीं कमाया यार, यहाँ से लोग इतने इतने पैसे कमा के निकल गए हैं, ये छोटे मोटे जो मेरे पीछे पीछे भी आ रहे हैं, ये मेरे से आगे निकल के इतने इतने पैसे कमा रहे हैं, इन्होंने उसमें भी नाम कमा लिया है। जबकि उन्होंने, अगर देखा जाए जो काम उन्होंने किया है, वो अपने काम को भूल जाते हैं, उनका काम ज़्यादा अच्छा लगता है उनको, क्योंकि वो उसको बहुत पैसे कमाते हुए देखते रहते हैं, बड़ी सी गाड़ी मर्सिडीज में आए हुए देखते रहते हैं, उसके बारे में ये भी सोचते हैं जूहू में फ्लैट ले लिया, और उनको लगता है कि यार मैं तो अभी मीरा रोड के 3 बेडरूम में ही रह रहा हूँ यार, और ये तो टूटा हुआ भी है, इसमें मैं तो कुछ भी मैंने करवाया नहीं, खाली सिर पत्थर रखे हुए हैं। तो अगर जब ये हीनता हम में आ जाए तो फिर हम आर्टिस्ट ही किस बात के। आप, हम क्या इस लेवल पे तोल रहे हैं अपनी जिंदगी को कि हमने क्या गेन किया या नहीं किया? हु आर यू टू क्वेश्चन दिस, कि क्या गेन किया नहीं किया? अरे ये ऊपर वाला सोचेगा या आपका वर्क बताएगा, इट्स नॉट कि आपका नाम हुआ या नहीं हुआ, इंटरव्यू हुए या नहीं हुए, फोटो छपी या नहीं छपी, इट्स ओनली योर वर्क जो आपको संतोष दे रहा है। तो वो अगर असंतोष में बदल जाए तो फिर तो फायदा ही क्या। मैंने कहा कि मैं वन मैन शो कर रहा हूँ अभी, मैं एक महीने पहले एक भिखारी जैसे बुढ़े का रोल करके आया था, पितामह उसका टाइटल है, उसका रोल करके आया जिसमें मैं मतलब ईंट गारा चूना तक उठाता हूँ, मैं गलत काम भी करता हूँ, और अल्टीमेटली अपने घर को बचाने के लिए कुछ इंश्योरेंस कराते सुसाइड भी कर लेता हूँ, पैसे घर वालों को मिल जाए कह के। तो ये मेरी पूरी कहानी है उसमें। दो महीने बाद मैं एक राजा का रोल करता हूँ, अब बताइए इरफान साहब, ये अगर मैं इसमें असंतोष व्यक्त करूँ
तो मेरे से गिरा हुआ इंसान कौन होगा या मेरे से गिरा हुआ कलाकार कौन होगा। मुझे बहुत ख़राब लगता है जहाँ हमारे वहाँ के ऐसे ऐसे महान आर्टिस्टों ने कमर्शियल फिल्म में काम करने के लिए जिसमें उनको कोई भी काम नहीं मिला, उनका कोई भी काम नहीं था, जो काम उन्होंने पहले किए था ना उनको भी डिग्रेडेड कर दिया। नाम मैं नहीं लेना चाहता, सब जानते हैं जो इस इंटरव्यू को देख रहा होगा, जो अच्छी तरह सिनेमा गोअर होगा वो बिल्कुल अच्छी तरह जान जाएगा मैं किसको पॉइंट पॉइंट कर रहा हूँ। उनको क्या मिला? अगर आप मेरे असंतोष की बात कर रहे हैं, मेरे को कह रहे हैं कि मेरे को तो कुछ नहीं मिला, तुम तो ललित तिवाड़ी ऐसे ही रह गए, न तुम कमर्शियल फिल्मों आए, ना तुमने नाम कमाया, ना तुम्हारे पास मर्सिडीज आई, ना तुम्हारे पास कोई बंगला था, तो तुम तो यार ऐसे ही रह गए। तो मतलब तुम मैं ये मतलब ये सोच के मैं संतोष करूं और ये सोच के संतोष करूं कि आज उन्होंने कुछ पैसे कमा लिए? घटिया, इतना घटिया उन लोगों ने काम किया है, कर पाए हैं, उनको उनके काम को कोई इन्हांस करने वाला डायरेक्टर नहीं मिला। अदरवाइज वो एक्टर कमज़ोर थोड़ी थे, कभी आपको आपने रोल नहीं दिया, रोल कौन कर रहा है? वो तीन कौड़ी का कमर्शियल स्टार, कहानी तो उसकी है, आप उसके बीच में कहीं पर प्लेस हैं और वही कहीं पर मौका लग रहा था आपका कोई अच्छा सीन है तो एडिट कर दो थोड़ा सा, बाद में समझा देंगे आपको। कह रहे सर वो फिल्म ज़्यादा लंबी हो गई थी ना, वैसा हो गया, तो वो स्टार कुछ भी करवाता है। तो वो नहीं, मैं उस तरह की चीज़ों में जाना ही नहीं चाहता। मैं बिल्कुल इस तरह की चीज़ में, अगर आप अपने को आर्टिस्ट कहते हो तो आप आर्टिस्ट बन के रहो, उसके अलावा आपका कोई भी विशेषण नहीं है, कोई विशेषण नहीं है आपका कि आपकी फ़ोटो रोज़ छपती है, आप करोड़ों रुपए लेते हो, आप बंगला है, आपका कार है, ये एक अलग फील्ड है, आर्ट एक अलग फील्ड है। उसमें सेक्रीफाइस का ही मतलब नहीं होता है, स्ट्रगल का ही मतलब, स्ट्रगल व्हाट इज स्ट्रगल? अब आज यहाँ आप आए हो क्या, आपने स्ट्रगल नहीं किया है? स्ट्रगल किया आपने, घर से निकले, सामान लिया, ये लिया, अरे 10 दिन के लिए जा रहे हैं भाई, तो देख लेना बिजली का बिल दे देना, ये कर देना, आप यहाँ पहुँचे हैं अभी भी आपको रोज घर फोन आ रहे भाई क्या हो रहा है, तो ये क्या स्ट्रगल नहीं है विद लाइफ? तो ये अगर इन चीज़ों को भी इतना हम घटिया बना दें, तो इतने अच्छे अच्छे शब्द हैं ना जिनको खाली स्ट्रगल के कह दिया गया, यही तो पास टाइम है, नहीं तो करे क्या आदमी? ए भाई कॉफ़ी ला ले आया, मेरे मुँह में डाल दे, पीली पी दी, ले भैया हम ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं क्या? एफर्ट लेस थोड़ी होना चाहिए, एफर्ट जैसे मैंने अपने घर में बड़ा अच्छा एक वो किया है काम, मेरे घर में आपको कोई टेबल नहीं मिलेगा, ज़मीन पे बैठ के खाना पड़ता है, तो मेरे वहाँ कोई कुछ नहीं खाता, सिर्फ चाय पीता है और निकल जाता है, क्योंकि वो कुछ खा ही नहीं पाता, कोई चीज़ यहाँ रखी होती, कोई चीज़ यहाँ रखी होती। तो मैंने इसका फ़लसफ़ा क्या बनाया, घर आराम करने के लिए नहीं होता है, घर होता है आराम से काम करने के लिए, आराम करने के लिए नहीं होता है, आराम से काम करने के लिए होता है घर। तो आप काम कीजिए, थोड़ा सा चाय भी ऐसे लीजिए, मिठाई भी ऐसे लीजिए, लीजिए। आप क्यों वो हो रहे हैं कि आप इतना भी नहीं हिल पा रहे हैं कि आपको सामने ही चाहिए? नो, ऐसा एफर्टलेस आदमी नहीं होना चाहिए, फिर तो एक्टिंग ही नहीं होगी। लोग कहेंगे अरे सीन बहुत डल हो गया यार, ये साला बैठा ही है इतनी देर से, खाली बैठा ही है, कट करो ना सीन को। कहते ना तो कुछ करता है, तो फिर यार बड़ा बढ़िया साला, सीन तो बड़ा बेकार था यार ये, लेकिन इन्हें कितने बढ़िया तरीके से किया, ले जो हाथ भी हिलाए, पाँव भी लाए, यहाँ चाय भी पी, चाय वहाँ रख दी, ऐसा कर दिया, तो इट्स लाइक दैट। और मैं एक्टिंग ऐसे ही सीखता हूँ, ये मेरा एक्टिंग का गुरु भी है। मैं अपनी लाइफ में जब बात भी करता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, ये मेरी एक्टिंग की क्लास है जो 24 घंटे चलती रहती, तो मैं एजाइल रहता हूँ बिल्कुल, आई एम नॉट डल, ये फुस ना ना, ऑल द वे एजाइल, ऑल द वे चीज़ों को मैं देखता रहता हूँ, ऑल द वे चीज़ों को मैं ग्रेस्प करता रहता हूँ, जो भी जरा सा मेरे को लगती है वहाँ को टाइम देता हूँ, अगर मेरे को जल्दी भी हो गई 2 मिनट उसको देखूंगा ये क्या कर रहा है किस तरह से, ओ फिर वही मेरी चीज़ें यूज़ होती, वो फ्री की मिल जाती मेरे को, पैसा नहीं लगता कुछ भी यार। पता नहीं यार इस पैसे ने दुनिया को हिला दिया है और उसे मैं भी हिला हुआ हूँ ये कहना चाहिए, लेकिन मैं वो हिलने को रोकता रहता हूँ। मुझे इतना अजीब सा लगता है, मैंने कहा ना कि मेरा बिल्कुल बैंक बैलेंस नहीं है और तभी मैं सुखी हूँ, मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है अगर मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है तो। मैं किसी को भी अपने बहनों को फ़ोन करता हूँ यार ऐसे 25,000 रुपये डाल दे, पैसे ऐसे ख़त्म हो गए, वो डाल देता है, फिर जिस वक्त आते हैं तो उसको दे देता हूँ मैं। तो मेरे कहा ना कि मेरी इनसिक्योरिटी उस लेवल की नहीं है, और अब तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मेरा लड़का कमाने लग गया, मे बी वो घर को देता है नहीं देता है, इट्स नॉट। मैंने कहा ना कि हमारे पास तो 2 मिनट में भी पैसे आ जाते हैं और सरल मेरी ज़िंदगी है, मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई स्टारिज्म नहीं ओढ़ा है,
मैं अभी भी बसों में घूमता हूँ, ट्रेनों में घूमता हूँ, मीरा रोड में लुंगी पहन के घूमता हूँ। मुझे सिंपल रहना बहुत पसंद है, सिंपल। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अभी देखिए दाढ़ी बढ़ी हुई है, आ रहा हूँ मैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है इस तरह। कोई कह रहे यार क्या है यार ये तो एक्टर इतना बड़ा, इतने इतनी बढ़िया की ये कैसे कैसे बन के आता है ये। और जबकि यहाँ अगर भाई कोई एक घंटे के लिए यहाँ पर आता है तो आप ज़रा देखिए वो कैसा, मतलब खुशबू आ रही होती है उसके चारों तरफ से, चारों तरफ से लोग घेर के उसे खड़े होते हैं। वो कितना एक ऐसे बिल्कुल महान आत्मा की तरह खड़ा होता है, महान पुरुष की तरह हमारे सामने। तो वो टेलीविज़न में और फिल्मों में इतना लंबा समय गुजर जाने के बाद जो सफ़र अभी भी जारी है, कौन सी ऐसी फिल्में ख़ासतौर पर आपको याद आप रखते हैं कि जिसमें काम करके बहुत ही मज़ा आया आपको? मैंने अपने हर रोल में मज़ा किया और हर रोल में कुछ देने की कोशिश की। तभी देखिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे कभी किसी ने टाइप्ड नहीं किया। उन्होंने कहा ललित को ये वाला रोल देने, नहीं यार ये क्या, इसको ये वाला भी दे सकते। मैं श्याम बाबू, मैं बता रहा हूँ आप जितने रोल मेरे देखेंगे वो सब अलहदा 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 है। सोचिए आप ज़रा सा कैसे उन्होंने भरोसा किया होगा मेरे ऊपर, जबकि वो तो इतने बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम करने वाले, स्मिता पाटिल, नसीर भाई, ओम भाई, खरबंदा साहब और व्हाट नॉट किस किस के नाम ले हूँ, उनकी लिस्ट में हम कहाँ आते थे। क्या कमाल कमाल के मैंने रोल किए हैं उनके, मतलब कितने बड़ा। वेलकम टू सज्जनपुर आपने देखी होगी, फिर उसके बाद वेल्डन अब्बा, मम्मो, अंतरनाथ, सूरज का सातवां घोड़ा, हरी भरी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मैं क्या बताऊँ। 23 साल से काम कर रहा हूँ मैं श्याम बाबू के साथ और अभी भी काम कर रहा हूँ, सोचिए आप ज़रा सा। अभी उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो भी मैं काम कर रहा हूँ उसमें, सोचिए। तो मैं तो इसी चीज़ का मज़ा लेता हूँ, मेरे तो तब मतलब अब मैं क्या बताऊँ, मैं निगेटिव सोच ही नहीं, निगेटिव क्या सोचूँ यार। जिसका एक लड़का रॉक स्टार है, जिसका एक लड़का पेंटर है, और मतलब मुझे तो कितनी बार जब मैं बैठता हूँ तो मुझे वो कहते हैं मेरा बेटा गिटार लेके बैठ जाता है तो मुझे लगता है मैं कहीं पोलैंड ओलैंड ऑस्ट्रिया में पहुँच गया हूँ, किसी पब में बैठा हूँ, क्योंकि घर भी वैसा ही बनाया हुआ ना, चारों तरफ पत्थर पत्थर। अच्छा, और मेरा किचन और वो ड्राइंग रूम है ना, वो जुड़ा हुआ था, मैंने वो दीवार तोड़ दी तो सब बिल्कुल खुला हुआ है। तो बिल्कुल ऐसा होता है कि वो पॉप की तरह लगता है, वो डिजाइन भी वैसा ही किया हुआ है। कोई मैंने कहा ना कि आराम से आप काम कर सकते हैं घर में अपने, आराम नहीं है ये। तो वो मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग होता है, मैं अपने लड़के को देखता रहता हूँ जब पेंटिंग करता है, थोड़ी थोड़ी देर आके क्या कर रहा है क्या कर रहा है। अभी कहाँ मिलेगा सर, आप जरा बताइए किसको मिलेगा यार, बताओ जरा। मैं तो ऐसा इमेजिन नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, ये तो गॉड्स ग्रेस है, ये मेरी प्लानिंग थोड़ी है। नहीं तो हो सकता मैं अगर उनको ये बनाना भी चाहता तो वो कहते नहीं मैं तो पढ़ता हूँ मैं तो नहीं करता ये, नहीं बहुत ज़्यादा गिटार में मैं ये करता हूँ, फिर मैं क्या करता। लेकिन देखिए वो कर रहे हैं। तो ललित भाई, हम लोग की बातचीत करीब करीब बिल्कुल बातचीत प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में पहुँच चुकी है। आखिर में आपसे पूछेंगे, आप पढ़ने लिखने में आपकी क्या दिलचस्पी है? घूमने में तो आपने बताया हमें कि आप घूमने के बहुत शौकीन हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई का क्या सिलसिला अभी रहता है? अब पढ़ाई लिखाई का यह है कि अब ये जब करते 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 जब मैं खाली मेरा पीरियड आया, एक बीच का मेरा 4-5 साल का ऐसा पीरियड आया जिसमें मैंने बिल्कुल भी काम नहीं किया, मतलब बिल्कुल भी ये समझिए कमाई नहीं हुई, मतलब ऐसे ही बिल्कुल थोड़े से पैसे से मैं अपनी ज़िंदगी चलाता रहा अपने परिवार की। लिखने का मेरे को शौक़ था, गाहे बगाहे कोशिश करता था, मन में आता था, सब्जेक्ट भी बहुत आते थे, अभी भी हैं बहुत सारे नहीं लिखे हुए हैं। लेकिन पता नहीं फिर मैंने कहा नहीं गॉड्स ग्रेस, पता नहीं मैं कैसे लिखने लग गया। और मैंने फिर 4-5 साल मतलब जो खाली मेरा पीरियड था मैंने एक्सटेंसिव लिखा, मतलब इन अवे मेरी करीब करीब 4 किताबें बिल्कुल तैयार हैं। उनमें एक का नाम है सहयोग आंदोलन, एक है बुधुआ के ढैये, वो दोहों को मैंने ढैया बनाया हुआ है। अच्छा, जो वो देख कबीरा रोया करके कहते हैं ना आखिरी लाइन में जो रिपीट करते हैं, सांझ बराबर तब नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप, कबीरा ताके हृदय आप, तो उसको मैंने चेंज कर दिया, वो बुधवा उसको मैंने अलग सा वो कर दिया। जैसे उसका मैं एक एग्जांपल बता सकता हूँ, लालच ही से बढ़ गया सिक्कों का ये खेल, ऐसा सिक्का ढूंढ ले ढेर हो जाए खेल, वो बुधवा ना हेड हो ना टेल, ना हेड हो ना टेल, क्या वो सिक्का ऐसा होना चाहिए हेड टेल नहीं होना चाहिए उसमें, बिल्कुल ये मैंने इसको बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट कर दिया बिल्कुल। तो ऐसे मैंने वो ढैये बनाए हुए हैं, तो ऐसे ढैये कोई मैंने 250 लिखे हुए हैं, और ऐसे ही मैंने एक उल्टे शब्दों का किया है, शब्द को उल्टा, वाद का उल्टा दवा ये,
तो ऐसे करके उसको मैंने दोहे में ढाला हुआ है। तो उसका भी कोई उदाहरण देखिए। उसका देख सोचता हूँ। लामा ऐसा होत है जस माला के दाने। लामा ऐसा होत लामा है। माला लामा ऐसा होत है जस माला के दाने। ओम माने पद में हूँ लामा के माने के माने। क्या बात है। माला और लामा को इंटरप्रेट किया है मैंने ऐसे कर। ऐसे ही है। अच्छा, इसको आप क्या कहते हैं। और ताकत में गुण बहुत हैं और अवगुण की खान। एक तरफ अशोक है और एक तरफ बुद्ध महान। अरे वाह, सोचिए आप जरा सा ताकत। ये तो लिखने वाली बात थी, पढ़ने में क्या किन चीजों पढ़ने में पढ़ता ही रहता हूँ मैं। सब मतलब मैं अच्छा बुरा सब पढ़ता रहता हूँ। मतलब मेरी उसमें कोई चॉइस नहीं है। मुझे कॉमेडी पढ़नी है, सीरियस पढ़ना है, नॉवल पढ़ना है, शॉर्ट स्टोरी पढ़नी है, ये वाला नहीं पढ़ना। जो मेरे को मैंने कहा ना कि आर्टिस्ट के लिए हर चीज़ एक खुराक है, उसे खुराक मिलती है। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। अब आप आर्टिस्ट को तो मर्डर करने वाले का काम भी करना पड़ता है, गोली चलाने वाले का काम भी करना पड़ता है, बुरे काम भी करने पड़ते हैं, ठग भी बनना पड़ता है। तो फिर मेरे लिए तो कोई बुरा और अच्छा है ही नहीं। मेरे लिए तो दोनों चीज़ें सेम है। तो मेरे को तो उसका भी एक्सपीरियंस होता है उसमें। तो ये मेरे लिए बहुत बढ़िया बात होती है। ये मेरा चलता है और बाकी मैं सब पढ़ता रहता हूँ, कविताएं विताएं नॉवल, ये मतलब मैगजीन भी मैं मंगाता रहता हूँ, ये पढ़ता हूँ। बट फिल्मी कोई चीज़ नहीं पढ़ता। मेरे घर में कोई भी फिल्मी चीज़ आप नहीं देख सकते। पर भगवान ने मेरे ऊपर ये कृपा की कि मेरा टीवी हो गया ख़राब, तो अब मैं ले भी नहीं रहा हूँ नया टीवी। मैंने कहा अच्छा है, बंद हो गया ये। नहीं तो बड़ी आदत नहीं, उसमें क्या होता था, घंटों मेरे उसी में वेस्ट हो जाते थे। मैं पढ़ना लिखना ये सब वो हो जाता था, जो कि मेरा चलता ही रहता, हल्का फुल्का अभी भी चलता रहता लिखना मेरा। और इन चीज़ों को मेरे को पूरा करना है धीरे धीरे ऐसे। और बिल्कुल आखिर में हमको ललित जी बताइए कि इन दिनों आप क्या कर रहे हैं। इन दिनों मैंने आपको बताया, अभी जुलाई में मैंने एक फिल्म की थी जिसका नाम है पितामह। वो भी बिल्कुल वन मैन शो है। एक गरीब रिटायर्ड आदमी की कहानी है जिसकी ज़िंदगी में दुखी दुख है। उन घर को संभालने के लिए उसको पता नहीं क्या क्या काम करने पड़ते हैं और अल्टीमेटली वो सुसाइड कर लेता है। उससे भी घर को पैसा मिल जाता है और इस तरह की कहानी है। अब दूसरा यह है कि एक जो फिल्म कर रहा हूँ वो फिल्म हिंदुइज्म और इस्लाम को इंटरप्रेट करती है। उसमें हिंदुइज्म भी है, उसमें इस्लाम भी है। तो मैं एक हिंदू राजा बना हुआ हूँ, इस तरह का उसमें पूरा का पूरा हुआ है। तो और अभी एक और फिल्म मेरी है, उससे अभी मेरी बात पूरी पक्की नहीं हुई है। उससे दो जख जिसने बनाई थी वही एक दूसरी फिल्म भी प्लान कर रहा है, तो उसमें भी मैं मेन रोल करने वाला हूँ। तो अब वो क्या है कि जो मेटेरियलाइज हो जाए तो तभी कह सकते हैं। बाकी बीच में ऐसा भी दौर गुजरा होगा ललित जी कि जब आप भी अपने पोर्टफोलियो लेकर इधर उधर डायरेक्टरों के पास चक्कर काटा करते होंगे। जो ओपनिंग में मैं जाता था ना, ओपनिंग में जाता था मैं, तो पोर्टफोलियो तो ऐसा फोटो का क्या होता था, ऐसा पोर्टफोलियो नहीं बनाया जैसे पैसे खर्च करके लोग 10-20 हज़ार, क्योंकि उतना तो पैसा होता ही नहीं था। इट्स जस्ट फोटो खिंचवा ली, उनके वहाँ दे आए, बस हो गया ये। बाकी और ऐसा जैसा था। अब आजकल तो कंप्यूटर ने बहुत कुछ करे, आजकल तो सब लोग पूरा का पूरा वो दिखा देते हैं। पता ऐसा लगता कि उन्होंने तो आधा काम कर भी लिया है ऐसा, क्योंकि कंप्यूटर में तो सारी वही फैसिलिटी रहती ना। तो वैसा नहीं था, सिंपल सा। और वैसे बहुत ज़्यादा इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। वो ओपनिंग के स्ट्रगल में मैंने कहा कि नए आदमी से वो कहते भी हैं कोई फोटो है तो छोड़ जाओ यहाँ, बट उसे काम कभी नहीं मिला। मुझे मिलना ही पड़ता था लगातार उनसे। वो फोटो तो खाली छोड़ने का एक बहाना था, एक मतलब वो होता ना कैसे पहुंचा पकड़ के पहुंचा पकड़। तो धीरे धीरे घुसने के लिए फिर वहाँ किसी से दोस्ती कर ली, फिर ऐसे कर लिया इस तरह का। तभी तो मैंने कमर्शियल फिल्म में मुझे बड़ा नुकसान हो गया। मैंने कभी कभी मेरे को लगता है मैंने ओवर स्ट्रगल कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था उतना स्ट्रगल, लेकिन मैं इनसिक्योर था तो शायद वो इनसिक्योरिटी मेरे को घर में नहीं बैठने देती थी। यह मुझे रेगुलर निकलना पड़ता था। मुझे लगता था मेरी बीवी क्या कही, घर में बैठ के क्या कर रहा है वो। नहीं नहीं, बम्बई आई हुई जो जिसका कोई संबंध नहीं है फिल्मों से, वो गांव की रहने वाली, पढ़ी लिखी है अलग बात है, बट फिल्मों से उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है इस तरह का। तो मुझे कि मतलब ये क्या सोचेगी। तो बालू पड़ा वैसे ही घर से निकल रहे हैं, पूरा दिन वैसे ही बिता दिया, कभी इस ऑफिस में चले गए, उस ऑफिस में कोई मिला कोई नहीं मिला, बस ऐसे। तो उस चक्कर में मैंने क्या किया, वो नुकसान ये किया कि शायद हो सकता है कि मेरे को कोई अच्छा काम मिल सकता था, लेकिन वो फिर वैसे ही लैंड किया ना, एक सीन दो सीन, कहीं पुलिस वाला बन गए, कहीं कोई बाप बन गए किसी के, कोई मतलब कोई खास हुआ नहीं। तो काम करने का मज़ा ही नहीं था मेरे लिए तभी। इसीलिए उसका कारण यही रहा कि मेरे को पहले से ही उसमें मज़ा नहीं आता था। तो एक टाइम आया, राइप हुआ और वो बिल्कुल फैक से छूट गया, और वो मेरे लिए बड़े सुख की बात है। आज मैं अगर सोचता हूँ इस बात को, मे भी कोई आदमी मेरे से ये कहे कि यार तुम्हें बहुत नुकसान हुआ,
बट मुझे लगता है कि वो नुकसान सिर्फ हुआ तो मेटलिस्टिक लेवल पर हुआ, बाकी किसी लेवल पर नुकसान नहीं हुआ। आज सर मेन रोल कर रहा हूँ, सोचिए मेरे पास लड़के आते हैं एंथुसियास्टिक और कम पैसों में काम करता हूँ, वो भी खुश होते हैं कि यार इतना बड़ा एक्टर ये है, ये देखो हमारे साथ ऐसे काम कर रहा है, और बिल्कुल उन्हीं की तरह काम करता हूँ, बिल्कुल नो हैंग अप्स कि आप जानते हैं आप बड़े एक्टर हैं, आप इनकी ऐसी की तैसी कर देंगे, आप दादागिरी दिखाएंगे, आप इनके काम में वो करेंगे, जितना भी करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना है, यहाँ तक कि और चीज़ों पे भी ध्यान देना है, क्योंकि वो नहीं जानते उतना सब कुछ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपके ऊपर होती है। जब कोई ऐसी चीज़ होती है, ललित जी आप बताओ ये कैसे करा, अच्छा इसको कैसे करोगे आप, फिर वो मैंने करना हूँ, उसका बताने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब उसके दिमाग में उस तरह से है ही नहीं, वो ये चाहता कि मेरी चीज़ जो मैं चाह रहा हूँ इससे भी ज़्यादा इन्हांस हो जाए, तो वो मेरे को करना पड़ता है। दूसरे एक्टरों को भी देखना पड़ता है, जो अगर बाई चांस मेरे को ऐसा लगता है कि ये जरा सा, क्यों वो क्या करते हैं, एक आध आर्टिस्ट तो ठीक ले लेते हैं, फिर बाकायदा पैसे नहीं है फिर वो किसी को भी ले लेते हैं जो उनके साथ चलते, और उन्हें कुछ करने वाले होते हैं कुछ बिल्कुल ही नहीं करने वाले होते हैं, वो जानते ही नहीं उस तरह से सिनेमा, जिस तरह का सिनेमा वो है, वो कमर्शियल फिल्म सीरियल वीरियल उसी हिसाब से एक्टिंग को सोचते रहते हैं, तो फिर उनको भी तैयार करना पड़ता है कि नहीं यहाँ पर ऐसे नहीं, तुम ये करोगे तो फिर मैं ये कर लूँगा, फिर ऐसा कर लूँगा, तो ये चलता रहता है। और इसके इस वजह से मैं उन लोगों में बहुत फेमस हूँ, मेरे मुरीद हैं वो लोग, बेचारे पाँव छूते हैं, भले कितने कितने तो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि सर ये आपकी वजह से हो गया, अदरवाइज मैं तो डायलॉग भी नहीं बोल पाता। सच बता रहा हूँ मैं आपको, इतना तब इतनी खुशी होती है, तो मैं उतना लिबरल हूँ, मुझे अपनी एक्टिंग की उतनी चिंता नहीं होती, मैं कभी उस तरह का एक्टर नहीं हूँ कि मैं कहूँ मैंने इसको नीचा दिखा दिया, ना वो कोई मतलब नहीं होता है, वो फालतू की बात कर रहा, तूने अगर उसको नीचा दिखा दिया इसका मतलब तू उससे भी नीचा है क्योंकि फिर तेरे को एक्टिंग करनी नहीं आती है। अगर एक्टिंग एक्शन इज रिएक्शन, रिएक्शन जब कमाल का नहीं मिलेगा तो एक्टिंग क्या होगी आपकी, है ना, जो रिएक्शन कमाल का मिलेगा तो एक्टिंग भी कमाल की होगी, आप उसी को देख कर इंटरेक्ट करोगे ना। बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी, आपके साथ बातें करके बहुत मज़ा आया, बहुत सारी बातें हमें भी सीखने को मिली, जानने को मिली, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आप लोगों का, और आपका धन्यवाद इसलिए भी कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं राजस्थान टीवी के लिए इंटरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि ये अपने आप में हिंदुस्तान के क्या वर्ल्ड के बहुत चैनलों से बढ़िया चैनल है, जहाँ पर आपको बहुत समझदारी की चीज़ें मिलती हैं और बहुत समझदार लोग वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत समझदार लोग उसको डिस्प्ले करते हैं। अदरवाइज हमारे वहाँ का पूरा टीवी का गैमेट आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बस इसी नोट पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ये थे जाने माने एक्टर ललित मोहन तिवारी। गुफ्तगू के आज के इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।